देश के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वो बीजेपी के एक प्रखर नेता के साथ साथ मजबूत और साहसी राजनेता भी थे। उन्होंने राजनीति में रहकर कई बड़े फैसले लिए। इसके अलावा वो अपने भारतीय लुक के कारण हर एक जगह तारीफ का कारण बनी। वहीं दूसरी ओर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो शायद ही काफी कम लोगों को ये पता होगा कि उन्होंने भी लव मैरिज की थी, उस दौर में जहां लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था। ऐसे में सुषमा को भी अपनी शादी के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे। सुषमा स्वराज की शादी जाने माने वकील कौशल स्वराज से हुई थी। दोनों को इश्क कॉलेज के दिनों में हुआ था। इसके बाद दोनों ने 13 जुलाई 1975 में शादी की थी। दोनों की मुलाकात चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शुरुआत में तो दोनों के बीच प्यार की कोई बात नहीं थी, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त जरूर बन गए थे, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गया। इस बारे में सुषमा ने जब अपने घर पर बताया तो उनके पिता हरदेव शर्मा, जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, जिसके कारण वो काफी नाराज हो गए। हालांकि उनका अपनी बेटी सुषमा से काफी लगाव था, जिसके बाद वो शादी के लिए मान गए। स्वराज कौशल ने मात्र 34 साल की उम्र में देश के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बन गए थे। इसके अलावा वो 1999 से 2004 तक सांसद भी रहे थे और 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके थे। सुषमा स्वराज और कौशल स्वराज की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो करवा चौथ का व्रत के लिए 16 श्रृंगार करे हुए नजर आ रही थी। इसके अलावा सुषमा पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत भी बहुत धूमधाम से मनाती थी। बता दें कि कौशल स्वराज सोशल मीडिया पर अपने मजाकिया ट्वीट्स को लेकर भी काफी चर्चाओं में बने रहे हैं, जिनमें से किसी एक ने उनसे पूछा था कि सर, आप सुषमा स्वराज को ट्विटर पर फॉलो क्यों नहीं करते, जिसके जवाब में उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं लीबिया या यमन में फंसा हुआ नहीं हूँ। वहीं एक अन्य घटना में ट्विटर यूजर आकाश ने स्वराज से पूछा, सर बैंक की पासबुक को पैन कार्ड के लिए आवेदन में इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया, कृपया मुझे इनकम टैक्स कमिश्नर समझने की गलती ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।